भारत देश विविध रंगों से सजा हुआ है। जी हाँ, ये रंग रहते हैं हमारे वेशभूषा, खान पान और साथ ही हमारे कल्चर से जुड़े हुए। आज बांद्रा इलाके के रिक्लेमेशन एरिया में महालक्ष्मी सरस ये एक एग्जीबिशन भरा हुआ है, जहाँ पर कई सारी जगह से लोग अपने कल्चर के साथ अपनी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक एग्जीबिशन के तौर पर लगाए हुए हैं। तो ये जानते हैं आज के आवाज़ विशेष इस कार्यक्रम में कि ये एग्जीबिशन किस तरीके का है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलते हैं। हम यहाँ के हर एक स्टॉल पर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह के नई नई चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं कि ये एग्जीबिशन किस तरीके का है। हर साल की शुरुआत में मुंबई के बांद्रा इलाके में काफी भीड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र शासन की तरफ से पिछले 14 साल से भारत के कोने कोने से विभिन्न पदार्थ और वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री महालक्ष्मी सरस एग्जीबिशन में किया जाता है। अभी हम महालक्ष्मी सरस के पहले स्टॉल पर आए हैं, जानते हैं कि यहाँ पर है भीड़ से आए हुए लोग हैं, तो जानते हैं कि आपका नाम क्या है? विमल धुंडीराम जाधव। और आप बीड़ से आए हो, बीड़ की क्या क्या खासियत है, आप यहाँ पर क्या क्या बेचने आए हो, मतलब एग्जीबिशन में क्या स्पेशल रखा है आपने? हमारा घाघरा रखा है, अच्छी अच्छी बैगे है हमारी, सब जो बन जाए। कौन सी है, किस तरीके का आपने यहाँ पर मटेरियल्स लाया? ये बैगे है हमारी, ये बैग 2000 की बिकती है हमारी, ये बैग 2000 की बैग है हमारी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपने काफी सारे कपड़े रखे हैं, तो वो किस चीज के हैं, किस तरह के आपने बनाए? बच्चे के लिए बनाए, हाथ से बनाए, हमारा काम है सभी हाथ से। दो से महिलाएं हमारी ये काम बनाती है घर पे। जी बिल्कुल। कितनी महिलाएं काम करती है आपकी? दो सौ महिला काम करती है। जी बिल्कुल। और क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर बहुत खास तरीके से लाई? खास तरीके से लाई है चीज है, ये 2000 की गए अभी दो। ये क्या है? ये नवरदेव पट्टा। अच्छा, कहाँ कैसा लगाया जाता है ये? अच्छा, इस तरीके से वो लगाया जाता है? हाँ, इस तरीके से लगाया जाता है। तो वो क्या चीज है? दरवाजे पे लगाई जाती है, वो दरवाजे के लिए रखी जाती है, मतलब हम घर को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसे कौन सी, मतलब बंजारा चाहिए वो? अच्छा, बंजारा समाज की ये सारी चीजें है, बंजारा समाज की। जी बिल्कुल। ये जो दुपट्टा है, मुझे ये देखना है कि ये किस तरीके का है? इस तरीके का है, हमारा जो बंजारा लोग है। हाँ हाँ, वो शादी के टाइम पहनते है। दुल्हन पहनती है? दुल्हन पहनती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी दिखती है। 10,000 का है वो? 10,000 का है ये? 10,000 के लेते हो। और कौन सी चीजें हैं यहाँ पर, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्कर्ट आपने बना है, ये जैकेट है। ये जैकेट अभी 1,000 रुपये को दिए। जी बिल्कुल। ये जैकेट 1,000 पूरा हैंडमेड है, प्योर कॉटन आप यूज? प्योर कॉटन है। ये घाघरा है, ये पूरा घाघरा। कितने मीटर का कपड़ा है ये? 5 मीटर का कपड़ा है। 5 मीटर का कपड़ा। ये भी पूरे हाथ से बना? ये सब हाथ से बना हुआ। लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग किस तरह से आपसे आके इतनी हजार हजार वस्तु, मतलब रुपए की वस्तु खरीदते हैं? हम बोले हाथ से धागा है हमारा, तो ले रहे भी है। घर की रौनक बढ़ाने और दीवारों को सजाने के लिए अगर आप किसी बेहतरीन आइडिया की तलाश में हो, तो ऐसे ही घर को सुशोभित करने वाली कई वस्तु के प्रकार इस महालक्ष्मी सरस एग्जीबिशन में मिलेगी। घर को सजाते समय हमारी सभ्यता और परंपरा भी शामिल होती है, और इसके साथ अगर आपको अपने घर को एक नया लुक देना हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही खास रहेगी। अपने घर को सजाने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, जैसे कि कोई शो पीस हो, कोई वॉल पीस हो, या फिर वॉल हैंगिंग हो, ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस एग्जीबिशन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे तरीके की चीज़ें लगी हुई है, जो सितली से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है, मतलब एक बहुत बड़े बड़े और आकर्षक तरीके के वॉल हैंगिंग बनाए हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ से यूपी से एक अंकल आए हैं। अंकल, आप जो है ये सुतली से काम बनवाते हैं, तो ये हाथ से काम किया जाता है किस तरह से? नहीं, सब हाथ से काम करते हैं हम लोग, ये सुतली है।
इसको हम लोग जो है सफ़ेद करते हैं, मसाला डालते हैं, इसको एकदम व्हाइट बनाते हैं इस कलर का। मतलब वो रंग रहता है अलग तरीके का? नहीं, इसका कास्ट होता है ना हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ सिलिकेट होता है जो साबुन में पड़ता है, उससे हम एकदम व्हाइट बनाते हैं। व्हाइट बनाने के बाद में फिर इसका मैं कलर करता हूँ। कलर करने के बाद में जो है इसको हम खड्ढी पर जो है बुनाई करते हैं। बुनाई करने के बाद में इसका जो हम कैंची से कतराई करते हैं। कैंची से कतराई करके बाकी ये जो है इसको जो हम वाइडिंग करते हैं, ये इस तरह से लपेटते हैं। ये रेशम का धागा होता है, रेशम के धागे से फिर मैं इसको जो फेविकोल से, फेविकोल होता है ना, फेविकोल से हम इसको पूरा जो है कैंची से काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों से हम इसको बनाते हैं। एक पीस बनाने में हमको जो है 2-3 दिन लग जाते हैं। हमारे पूरे परिवार के लोग यही काम करते हैं, जितने हमारे गाँव में इसी का कारोबार होता है, यूपी में जितने गांव के लोग हैं सब लोग यही काम करते हैं। एक वॉल हैंगिंग इसको बनाने में हमको जो 3 दिन का समय लगता है, तो 3 दिन की मजदूरी प्लस रख लीजिए, प्लस इसका मटेरियल का खर्च रखिए। ये मटेरियल हमको जो कलकत्ते से ये जो जूट आता है ये 95 रुपया पर किलो मिलता है। इसका हम रंग कलर जब करते हैं तो हमको जो है 150 रुपया किलो पड़ जाता है, कास्ट लिए हुए सब पड़ जाते हैं। तो इसका वजन जो है हमको जो है 1 किलो से ज़्यादा हो जाता है। और 3 दिन की मदद वॉशेबल नहीं होती कोई भी सीनरी कहीं भी आप लेंगे, क्योंकि ये हम जो है फेविकोल से चिपकाए, पानी लगेगा तो निकल जाएगा। इसको सूखे ब्रश डस्टर से आप जो है मार के इसको जो फटकी लगा देंगे, जैसे कपड़े का फटकी होता है, इस तरह से इसकी धूल मिट्टी जो है निकल जाती है। तरीके से ये जो झूमर लगाया हुआ है ये राजस्थान का है, तो आइए जानते हैं ये राजस्थान स्टॉल से कि सर आज आपने यहाँ पर राजस्थानी कल्चर से क्या क्या लेकर आए हो। जी, हम टेराकोटा टाइल्स लेकर आए, मिट्टी के टाइल है, दीवार पर हैंगिंग करने के लिए झूमर है, गणेश जी है, गणेश है, पंचदेवी है, आदि टाइलों में किया हुआ रूप है। और तवे, गैस के तवे भी है, गैस के ऊपर यूज करने के लिए रोटी बनाते हैं, मिट्टी का तवा है, हैंडवर्क का काम है सर। यहाँ पर जो है मतलब लोगों का क्या रिस्पांस है आपके साथ? यह देवी देवता के आधार पर भी बनती है, देवी देवता के आधार पर बनती है, वो भी लगाते हैं। और सूरज है, मेन गेट पर लगता है, गणपति है, वो आदि वस्तुएं मिलती है। खाचे तो हम हैंडवर्क का काम करते हैं, सब हाथ से बनाते हैं, कलाकारी के रूपांतर। यहाँ पर एक ऐसे जी काम कर रही है, गोपाल जी नारी समिति,
वो एसएजी में 30 मेंबर्स है, अभी 20 मेंबर्स पूरा फाइनल काम करे इसको, और इसका पास है अभी 100 आर्टिजन है, वो सब वो महिला लोग गांव का जो वो सब काम कर रही है पंचायत राज डिपार्टमेंट के तरफ से। इसको पाम लीव का है, जो ओल्ड टाइम में जो पेपर नहीं था, जो कंप्यूटर नहीं था, जिस जमाने में जो हमारा ग्रंथ लिखा है, जो सब पांडुलिप का ग्रंथ लिखा गया था, इसी को हम फॉलो करके पूरा बिल्कुल नया डिजाइन में जो लिखा गया था, इसी तरीके से हम काम बनाया। पूरा पेंटिंग भगवान राम का बनाया, गणपति का पूरा पेंटिंग बनाया, कृष्ण भगवान का पूरा पेंटिंग बनाया, और पटचित्र भी बनाया, जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल होते हैं, जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल पेंटिंग पटचित्र वो भी बनाते हैं। और सबसे खासियत वाला वो बात बताए, वो जो पेंटिंग है हमारा, ये जो टिश्यू पेपर नहीं है, हमारा हैंडमेड पेपर है वो। हाँ, वो हमारा क्या होती है, जो इमली का मंजी स्टोन का पाउडर और हरीडा बहाड़ा आंवला, ये सब मिला के हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद क्या होती है, वो गौन बन जाता है। गौन बनने का दो कॉटन क्लॉथ इसको लेके आते हैं, ज़्यादा जब धूप होती है पहले गौन को इसमें डालते हैं, इसका ऊपर एक कपड़ा डालते हैं, फिर एक गौन डालते, फिर एक कपड़ा डालते, फिर इसका ऊपर गौन डालते। जब गौन डालने के बाद क्या होता है, मैडम देखिए ये पत्ता जो है ना, सब घिरते घिरते इस स्टोन और पानी से हम इसको घिरते 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 सब प्लेन हो जाते, ऐसे जो वो हमारा हैंडमेड का कैनवास बन जाता है। इसी के ऊपर वेजिटेबल कलर है, ये जो क्या है लैम्पेल कलर, जो पुराना जमाने पर लोग जो आप जो आँख में जो कजल लगाते, कैसे आप दिया जलाते, इसका ऊपर एक प्लेट रख देते हैं, वो जो निकलते आँख में ऐसे कजल लगाते हैं ना, हम इसी को पूरा वही कलर इसमें यूज किया, ब्लैक एंड व्हाइट। ये सी सेल कलर है, सी सेल को घिरते घिरते व्हाइट बनाते हैं। ये लैम्पेल कलर, टोटल 5 कलर आते हैं, 5 कलर हम मिक्स करके इसमें 25 कलर निकाल दिए, सारे के सारे स्टोन का कलर होती है, जो भी 100% इसमें हैंडमेड है, इसके बार कुछ नहीं इसमें यूज नहीं होता है। ये मैडम क्या होती है, देखिए हमारा जो पेंटिंग है पूरा ये 100 साल पुराना पेंटिंग है, इसको जो क्यों ख़राब नहीं होगा, क्यों ना हमारा जो पुराना पांडुलिपि का ग्रंथ लिखा गया, अब लोग का जन्म कुंडल लिखा जाता है, मिनिमम तो 60-70 साल रहता है, कुछ ख़राब नहीं होता। हमारा जो पांडुलिपि का ग्रंथ है कई हज़ारों सालों का पीछे लिखा गया था, जिस टाइम में पेपर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो मुनि ऋषि राज महाराज लोग लिख के गए थे, इसी के ऊपर सब लिख के गए थे, हम इसी को पढ़ कर इसी तरीके से आप देखिए पूरा पेंटिंग बनाई। औरंगाबाद से आए हुए एक मूर्तिकार हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं कि सर आपने इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे मूर्तियाँ बना के रखी है, इसके वैशिष्ट्य क्या है और किस तरीके से आप ये काम करते हो? मैं अंकुश जाधव, अजंता लेनी है तिलासून। अजंता लेनी मतलब जे एक नंबर ची जी लेनी है तिचा मतलब हा जो मूर्ति है, तो हिचामध्ये तुम्ही समोरून जर बघणार तर इकडनं तुम्हाला स्माईल करताना दिसेल, इकडनं तुम्हाला धीर गंभीर दिसेल आणि समोरून तुम्हाला हे ध्यान मुद्रेमध्ये दिसेल, तीच कला तिथं जी आहे ती तशीच्या तशी आम्ही याच्यामध्ये उतरवलेली आहे। आणि ही मार्बलच्या डस्टपासून हे तयार करतो आहे रेक्झिनमध्ये, आणि हिच्यासोबतच ही जी मूर्ती आहे ही वूडमध्ये, वूडचं डस्ट तयार करून त्याच्यामध्ये रेक्झिनमध्ये मिक्स करून तयार करतो, आणि ही देशातच नाही तर विदेशातही आमच्या ह्या मूर्त्या जातात, आणि DRDAच्या मार्फत बऱ्याच सरसमध्ये आमच्या मूर्त्या गेलेल्या आहेत। अजून दुसरं एक अजंठ्याचं खास वैशिष्ट्य, ज्यावेळेस ऑफ सीजन असताना आम्हाला काही काम नसते, त्यावेळेस डोंगरात जाऊन सने डोंगर फोडून त्यामधून जे निघणारे नॅचरल खनिज संपत्ती आहे ते आम्ही जमा करतो। हे स्टील व्हाईट नावाचं स्टोन आहे, याच्यामध्ये दुसरा एक आहे इशून लाईट, हे वेगवेगळे याच्यामध्ये ह्या कॉट्स आहे, यहाँ पे सेल करते बॉम्बे के जो टूरिस्ट आहे, बॉम्बे के जो लोक आहे वो हमें बहुत खरीदते हैं, इसको बहुत रिस्पांस देते हैं, खरीदते हैं कलेक्शन के तौर पे या रिंग बनाने के तौर पर इसे खरीदते हैं। जो ज्वेलरी शॉप में आप स्टोन देखते हो यही स्टोन है, ये खुद निकालते हैं अजंता के पहाड़ों में खुद निकालते हैं। आपले जे पूर्वज होऊन गेले ते आपण आता कुठे लग्नामध्ये काही 50 रुपये जर दक्षिणा किंवा दान दिलं किंवा रिसिप्ट फाडून घेतो नाव लिहून टाकतो, पण आपले पूर्वजांनी हे जे अजंता लेणी कोरली तिथं त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं नाव कोरलेलं नाही, त्यांनी जो अद्भुत ठेवा ठेवलेला आहे, तर ही मूर्ती जी बनवलेली आहे तर ही मूर्ती इकडनं म्हणजे ही 26 नंबरची जी लेणी आहे तिच्यामध्ये ही महानिर्वाण पोज मूर्ती आहे, इकडनं जर मोजली तर 26 फूट भरते आणि तिकडनं मोजली तर 24 फूट भरते। बरेच शास्त्रज्ञांनी याचा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचं काही फळ त्यांना मिळालं नाही, पण हा जो ठेवा आहे हा प्रत्येकाने येऊन बघायला पाहिजे की ह्या मूर्तीमध्ये काय वैशिष्ट्य आहे, एवढंच नाही तर
तिथं आल्यानंतर गाईड वगैरे करून ते बघायला पाहिजे की ह्या प्रत्येक लेणीमध्ये काय काय वैशिष्ट्य आहे ते दडलेलं ते आपल्याला अनमोल ठेवा तो बघायला मिळतो आपल्याला तो आपल्या पुढच्या येणाऱ्या पिढीला तो बघायला मिळेल कारण की ही अजिंठा लेणी खूप प्रसिद्ध आहे आणि जगप्रसिद्धच आहे तिथं ते विश्वदाय स्मारक म्हणून सुद्धा घोषित केलेलं आहे. सजावट करने के लिए और भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है कारपेट. जी हाँ, आज हम देखेंगे यहाँ पे कारपेट जो है बहुत अलग अलग तरीके के हैं, तो आप जानते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है. आप कहाँ से हो? हम लोग भदोही से आए हुए हैं मैडम. ये सब हैंड वर्क है मैडम, हम लोग वीवर हैं, हाथ से बनाते हैं और ये बहुत सारे इसमें डिजाइन आते हैं, बहुत सारे इसमें कलर आते हैं. ये देखिए आपको उलन कारपेट है, ये एक्रेलिक वूल है जी, और ये देखिए, हाँ ये एक्रेलिक वूल है और ये देखिए आपको मेरिनो वूल है मैडम जी, बिल्कुल. ये देखिए ये भी मेरिनो वूल है, ये कश्मीरी वर्क है मैडम. ये कश्मीरी वूल है? हाँ, ये कश्मीरी वर्क है. मतलब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके का वूल आप यूज करते हैं इसमें? जो है ये मैडम जो है कि आपको ये मेरिनो टाइप का वूल होता है, ये खड्डी होती है उसमें हम लोग जो है कि इसको कारपेट को एक एक धागे नॉट को बनाते हैं, एक एक धागे को बनाते हैं. उसके बाद इसकी इतना सारा वूल होता है, फिर इसकी फिनिशिंग होती है, फिर इसकी वाश होता है, फिर उसके बाद हम लोग ये ले आते हैं यहाँ पे. एक कारपेट बनाने को मैडम किसी को 15 दिन लगता है, किसी को 20 दिन लगता है, एक महीना भी लगता है. मेजरमेंट हाँ, ये साइज़ के हिसाब से भी होता है मैडम. इसमें आपको 3x6 होता है, 4x6 होता है, 5x7 होता है, 6x. साइज़ हमारे पास आल सारे बहुत सारे कारपेट लाए हैं मैडम. छत्तीसगढ़ से यहाँ पे और एक स्टॉल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अलग ही है इनकी आर्ट कला है जो लोहे से बनी हुई है. तो आइए जानते हैं कि ये कला जो है इन लोगों ने प्रदर्शित की है तो वो एग्जैक्टली क्या है. अब बताइए कि इसे क्या कहा जाता है? बस्तर आर्ट. बस्तर आर्ट जी, ये छत्तीसगढ़ का कुछ स्पेशल है? जी हाँ, बस्तर आर्ट में स्पेशल डोकरा आर्ट और बस्तर आयरन क्राफ्ट फेमस है. यहाँ जितने पूरे डेकोरेटिव चीज़ बनाते हैं जो यानी वास्तव में उपयोग कर सकें, जैसे गेट, ये सब बहुत सारे उपयोग चीज़ बनाते हैं. जो हमारे बस्तर के यानी छत्तीसगढ़ बस्तर के कल्चर है उनको हम लोग यानी पूरे संसार में दिखाना चाहते हैं कि इस टाइप हमारे राज्य के लोग कार्य करते हैं. इसका उपयोग मतलब घर पे सजाने के लिए, सुशोभित करने के लिए ऐसे क्यों यूज़ किया जा सकता है? जी हाँ, जिससे हम घर में सजाने से बहुत अच्छा यानी उजार लगता है. इसके लिए हम लोग पूरा अच्छे से अच्छे डिजाइन देकर बनाते हैं. इससे हम लोग जो हमारे बस्तर के आदिवासी लोग एक जगह से मिट्टी दूसरे जगह लेकर यानी किसान कार्य करता है, ये कावड़ बोलते हैं हमारे, जिससे यहाँ से मिट्टी एक दूसरे जगह घर मिट्टी हो गया जो धान होता है मिंजाई के बाद एक जगह संकेत करने के लिए ले जाते हैं, इकट्ठा करने के लिए. पूरा हाथ से है, कोई यहाँ मशीन का नहीं, न साचा का नहीं है. हमारे जो पहले हमारे दादा 1994 में लंदन गए थे जो हैंडीक्राफ्ट से, 1995 में तुलसी सम्मान से पुरस्कृत हुए, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से. पापा और मम्मी भी बनाती हैं, मैं भी बनाता हूँ, यानी सब लोग हम लोग मिल के बनाते हैं, तभी इतना क्या तो कर पाते हैं, क्योंकि एक जगह एग्जीबिशन नहीं करते, इंडिया में पूरे हर जगह करते हैं हम लोग. बैलेंस है सर, जिसे यहाँ कोई मैग्नेट नहीं है, वो दोनों साइड वेट बराबर करके हम लोग अपने तरीके से बनाए हैं. आप यहाँ भी नहीं उंगली में भी रखोगे तो वेट वही होगा, क्योंकि कोई बोलते हैं कि मैग्नेट है साथ में, तो यहाँ तो मैग्नेट नहीं है, खुद को पता चल जाता है. सरिया रहता है उसको बराबर साइज से काटते हैं, फिर उसको इस टाइप का शेप देने के लिए कटिंग करते हैं, फिर गर्म कर करके ठोक ठोक के पूरा शेप निकालते हैं, जिससे दोनों साइड का वेट जो कचरा रहता है पूरा जो वेस्ट गंद क्या तो रहता है वो निकल जाता है और पूरा साफ एकदम लोहा साफ हो जाता है, जिससे उसका पॉलिश करते हैं दोनों साइड का वेट बराबर हो जाता है और इस साइड का ये जो ये सरिया है इसको काटते हैं और दोनों साइड के लिए बराबर करते हैं, तो इससे वेट बराबर हो जाता है और दोनों के साइड का वजन बराबर होता है.
खूबसूरत तरीके की ये जो चीज़ है वो अरुणाचल प्रदेश से आई है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं स्टॉल के जो मेंबर है, आप बताइए कि आप इतने दूर से यहाँ पर आए हो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ बनाई है, क्या क्या वैशिष्ट है आपके यहाँ पर? मीन्स अभी ये सब हम लोग का ऐसे बोले तो हम लोग एक संस्था के थ्रू आया है, धोनी अन मल्टीपर्पज सोसाइटी के थ्रू आया है। फिर हमारा वहाँ पे सब ये ट्रेडिशनल थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके हमारा थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा हम कॉमन से ना हर चीज़ मतलब इसमें मैं टच करके अपना ट्रेडिशनल के तय बना के लेके आया। सारे जो है हैंडमेड है, हैंड वर्क है, जो भी यहाँ पे है सारे हैंड वर्क है। और हमारा संस्था के थ्रू और हमारा जो मेंबर के जितने लोग ने मिल के सब बना के हमें मतलब यहाँ आने का मौका दिया है इसके। और प्लस ये नाबार्ड डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हीं के थ्रू हम यहाँ आए हैं। अगर कोई आया है आते तो कोई ना कुछ ले देती है, अगर कोई ले भी नहीं सकने से भी मतलब ये कि बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट इनकरेज देते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। घर के सजावट के साथ किसी भी व्यक्ति की छवि सर्वप्रथम उसके पहनावे से होती है। परिधान वेशभूषा व्यक्तित्व ही नहीं हमारी संस्कृति का भी परिचय होता है। ऐसे ही पंजाब और बंगाल से आए लोगों से मिलते हैं। अभी हमें पश्चिम बंगाल के स्टॉल पर यहाँ पर इन लोगों ने कुछ मटेरियल्स लाए हैं जो काफी विशिष्ट पूर्ण है, हम जानते हैं आपसे। अब बताइए कि क्या क्या मटेरियल्स आपके पास है? मैम सूट साड़ी दुपट्टा स्टॉल कुर्ती पीस यही है, और जो चीज़ है मटेरियल है वो सिल्क तसर या कॉटन पर है। क्या वैशिष्ट रहता है आपके पश्चिम बंगाल के कल्चर में से? कांथा वर्क के साड़ी सूट दुपट्टा जो हैंड वर्क होती है उसको बोला कांथा, कांथा वर्क। यहाँ पर कुछ आपने कुछ ज्वेलरीज भी रखी है तो उसकी क्या वैशिष्ट है? वो धागा से बना हुआ है, सो हाथ से बनाए, खुद बनाते हैं धागा हाथ से। सारी चीज़ें आपकी हैंडमेड है? सारा हैंडमेड है। लोग आपके साथ काम करते हैं? हम लोग को जो ग्रुप को जो संघ है उसमें कम से कम तो 125 ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप में 10-10 मेंबर है, कम से 1200 मेंबर है। जी जी। इतनी खूबसूरत तरीके से ये जो अपने सिल्क है ये भी क्या अपने हाथ से बनाए हुए हैं? अच्छा, ये कलर वगैरह ये वॉशेबल? बिल्कुल जी, इसके कलर नहीं जाता। वही पटियाला की फुलकारी पंजाब की जो फेमस होती है, फुलकारी सूट्स ड्रेस साड़ी दुपट्टा पटियाला सलवार प्लाजो वगैरह जो आजकल चल रहे हैं। हाँ ये देखिए, जैसे ये वाले सूट लगे हैं इनका दुपट्टा फुल हैंडमेड आएगा, वो वाला सूट लगा है उस पर पूरा हैंडवर्क किया हुआ है फुल, वो वाले लगे हैं देखो सामने ट्रेडिशनल फुलकारी होती है। तकरीबन 4 साल से आ रहा हूँ मैं लगातार जी, तो हर बार अच्छा रिस्पॉन्स होता है, अच्छी परचेजिंग होती है और कस्टमर भी अच्छा आता है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग में नहीं होती। किसी भी पार्टी फंक्शन आदि में जाने से पहले खूबसूरत कपड़ों के साथ ज्वेलरी का टच पर्सनालिटी को और भी निखारता है, इसीलिए सोने से हटकर अब तो तमाम तरह की ज्वेलरी इस महालक्ष्मी सरस एग्जीबिशन में है। राजस्थान की ज्वेलरी भी बहुत ही फेमस है, तो आइए जानते हैं कि मेरे पीछे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी लगी है कि आप बताओ कि ये ज्वेलरी आप राजस्थान से आए हो, आपका नाम क्या है? कालू राम। आपने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है वो किस तरीके से, आपकी खासियत क्या है? महिला स्वयं सहायता की वजह से ये बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है महिला का, हमने बचत गढ़ है उससे महिला के नाम से, वैसे भैरुनाथ ऐसे जी मेरा समूह ग्रुप का नाम है, उसमें मेरी वाइफ जुड़ी हुई है, हम वैसे कम से कम 10-20 लोग इसमें काम करते हैं। कौन से वस्तु से आप ये सारी ज्वेलरी बनाते हैं? वैसे इसमें कच्चा मेटल लाना पड़ता है पहले बाजार से, फिर हम खुद इसकी खुदाई करते हैं। जैसे इसमें मेरे पास कॉपर की आइटम है, लकड़ी की आइटम है, कई तरह की मतलब पायल देखी है, वैसे ये कंदोरा कमरबंद बोलते हैं ऐसे कड़े वो टंकी है, वैसे ज्वेलरी बॉक्स है पूजा की, कई तरह की मतलब आइटम है। वैसे मीनाकारी वैसे इसमें जो पहले गोल्ड पे जो थेवा वर्क होता था हमने इस पर कॉपर के ऊपर चालू कर दिया अभी जी मैम। जैसे जोधा ने जो पहना था वो आर सेट,
वो है हमारे पास अभी वैसे ही। इस एग्जीबिशन में कई संस्थाएं जुड़ी है। ग्रामीण विकास अंतर्गत काम करने वाली उमेद संस्था के अध्यक्ष से हम बात करते हैं। उमेद जो संस्था है ये ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत काम करती है और महिला स्वयं सहायता गट स्थापन करने में मदद करती है। तो जो गांव की महिलाएं इनको एकत्रित लाना, इनको महिला स्वयं सहायता गट स्थापन करना और इसके माध्यम से कुछ अपनी जो बिजनेस स्टार्ट करना, जिसकी मार्फत वो अपना कुछ कमा ले, अपना बिजनेस कर ले, इस हेतु इनको अलग अलग प्रकार के वो करते हैं काम, जैसे मसाले हो, पापड़ हो, कपड़ों का बिजनेस हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चप्पल हो, तो हर प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स हो, तो हेड टू टो जो अपने घर में लगते हैं वो सभी वो पदार्थ और सामान तैयार करते हैं और उनको बेचने के लिए उनको मार्केट उपलब्ध करके देना बहुत महत्व का है। तो इसलिए शासन ने ये सरस मेला शुरू किया है, महालक्ष्मी सरस, और ये 14 साल से शासन कर रही है। इसमें शासन पूरे जो महिला स्वयं सहायता गट है उनको ही मदद करती है, तो जो दूसरे आउटसाइडर को हम इसीलिए इसमें अलाउ नहीं करते क्योंकि शासन इनके लिए बहुत कुछ खर्च करती है और उसके पूरा जो फैसिलिटीज़ देती है उनको बिना किसी दाम के देती है ताकि उनका उद्धार हो और महिलाओं को आने के बाद यहाँ पे सक्षम वो बन सके कि मार्केट में कैसे बेचा जाता है, मार्केटिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग कैसे किस तरह से करें। फूड प्रोडक्ट्स हो तो FSSAI का जो लाइसेंस है, फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी का लाइसेंस हो, तो हर चीज़ का वो अपना जो लाइसेंस लेकर बेचे तो उनको एक माध्यम मिलता है और वो कॉन्फिडेंट होते हैं मार्केट में कैसे आना फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के लिए। तो यही इसी ख्याल में रख के पूरा सरस महालक्ष्मी सरस मेला जो है हर साल शासन 14 सालों से कर रही है और आप देख सकते हैं कई महिलाएं जो हैं हमारे 34 ग्रामीण जिले हैं और 34 ग्रामीण जिले से वो आई हैं। इसके अलावा जो अपने शहरी ज़िले भी हैं, मुंबई, सबर्बन और सिटी, यहाँ की भी जो स्वयं सहायता गट है वो भी आई हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग देखेंगे वो सारे स्वयं सहायता गट से जुड़े हुए हैं और उनको सक्षम बनाने के लिए हमारी जो संस्था काम कर रही है और शासन काम कर रही है। बिल्कुल, यहाँ जो लोग आते हैं वो काफ़ी जगह से आते हैं तो उनके लिए रहने सहने की भी मतलब जो है वो गवर्नमेंट में की है वो किस तरह की है? रहने के लिए हम लोग इनके लिए ऑन रेंटल माड़ा के जो क्वार्टर्स है या शिवसाई पुनर्वसन प्रकल्प है उनके क्वार्टर्स, वो गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं हम लोग रेंट पे लेते हैं, वहाँ इनके लिए बाकी रहने के सारे जो मैट्रेसेस है, बेड्स है, ये देते हैं, पानी की व्यवस्था रहती है और बाकी आने जाने की भी हम सुविधा नहीं देते क्योंकि वो डिस्टेंस में रहे तो उनको हम लोग बस की सुविधा है और हमारे सिक्योरिटी उनके साथ रहती है तो उनको हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ अगर मेडिकल इश्यूज़ हो तो डिस्पेंसरी है, तो जब से वो आते हैं और जब तक वो जाते हैं यहाँ से उनके रहने का और आने जाने का इंतज़ाम और मार्केट उनको पूरा उपलब्ध करके दिया जाता है। इस साल से हमने एक बहुत दो तरह की क्लासेस ली। पिछले साल तक हम लोग की मैनेजमेंट कैसे करना, बिजनेस एंटरप्राइज कैसे बढ़ाना, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास लेते हैं, नहीं जो गट के आए हैं उनके लिए। तो हमारे मुंबई में बहुत से एक्सपर्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं तो एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उनको समझाना चाहते हैं कि बिजनेस आप कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए उस टाइप के क्लासेस होते हैं। जैसे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, बैंक के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो इनको कैसे बैंकिंग किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया, ये एक भाग है। दूसरा भाग हमने किया कि लोगों को उत्सुकता बढ़ाने के लिए वारली पेंटिंग के क्लास है, तारपा डांस की क्लासेस है, फ्लावर मेकिंग के क्लासेस है, पेंटिंग अदर पेंटिंग से क्लासेस हैं, तो बच्चों को भी इसमें अट्रैक्शन रहता है। तो पेरेंट्स आए तो अपना वो लोग पेंटिंग करते रहें और बच्चे यहाँ खेलते रहें, पेरेंट्स अपनी अच्छी तरह से शॉपिंग कर लें और बाद में तो इतना स्वादिष्ट व्यंजन और खाना है तो अपना पूरा आउटिंग बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सा हो जाता है, बच्चों को खेलने के लिए भी सुविधाएं यहाँ पर है। सबसे बड़ी खासियत, तीन चीज़ें हमारी इस साल की खासियत है। एक तो हमने वेबसाइट एक बनाया है, तो जब ये अगर ये सरस एग्जीबिशन ख़त्म भी हो जाए तो इस एग्जीबिशन के दौरान में जो लोग आए उनके सबके नंबर्स और फ़ोन नाम है उसमें, तो आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे बहुत से लोगों को यहाँ के मसाले पसंद है, पापड़ है और पिकल्स हैं, ये सब बहुत पसंद है, राइस जो हैंड पाउंडेड राइस है, दाल है, वो सब पसंद है, तो वो लोग डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं उनसे।
दूसरा हमने एक वेब ऐप क्रिएट किया है, तो जैसे लोगों को आजकल जनरेशन को ऐप में कुछ अवेलेबल हो तो इजी लगता है। अभी यहाँ पे 450 स्टॉल है, आपको आने के बाद पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है, तो आप घर से ही ऐप में देख कर आए कि कौन से फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉल है, कौन से नंबर है, तो वहाँ भी आप इजीली जा सकते हैं। तो वो एक सुविधा। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी सुविधा हमने की कि महानगर गैस का कनेक्शन हमने यहाँ दिलवाया। तो हर साल क्या होता था कि जो लोग बचत गट आते थे उन लोगों को अपना गैस का सिलेंडर लाना पड़ता था, और वो कभी कभी ख़त्म होने के बाद ज़्यादा कॉस्ट पे भी मिलता था और सेफ भी नहीं रहता था, और अलग अलग वो लोग जाओ ले आओ, ये सब बड़े प्रॉब्लम्स होते थे। अभी महानगर गैस की वजह से कंटिन्यूस सप्लाई है, सेफ्टी का इशू नहीं है, हीट भी कम जनरेट हुआ है, बिकॉज नॉर्मल गैस से जो हीट जनरेट होता है और महानगर गैस से कम हीट जनरेट होता है, सो इससे भी हमको बहुत सुविधा है। लोग महिलाएँ बहुत खुश है जिन्होंने फूड स्टॉल्स रखे हैं, वो हर बार जिनसे हम बात करते तो वो लोग बहुत खुश है, उनको लगा कि ये हमने जो उनको सुविधा उपलब्ध करके दी ये उनके लिए बड़ा अच्छा रहा है। और फायर स्टेशन हम लोग फायर ब्रिगेड कंटिन्यूसली यहाँ पे रखे हैं कि बाय मिस्टेक कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो उनका ध्यान रखें। टेलीफोन लाइन है, डिस्पेंसरी है, तो हर तरह से हमने लोगों के लिए यहाँ पे सुसज्ज रखा है। और लोगों को तो इतने अलग अलग स्टेट्स से भी 29 स्टेट्स से अपने यहाँ लोग आए हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके, तो साड़ियाँ हों, ड्रेसेस हों, बैग्स हो और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ज्वेलरी हो, कारपेट्स हैं और बेडशीट्स हैं, बेड स्प्रेड्स हैं, तो ऐसे कई चीज़ें हैं। तो आप यहाँ आइए, और अभी भजन भी आप सुन रहे, इतना अच्छा शाम को अभंग कीर्तन प्रोग्राम भी रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ आए तो वो ज़रूर समृद्ध होकर ही जाएगा, लोगों को तो समृद्ध करेगा ही, पर खुद में अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा जिससे वो समृद्ध होंगे। साल लोग यहाँ पर आएंगे, इतनी सारी चीज़ें अगर हमें एक ही जगह एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे तो हम क्यों ना आए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी बातें बताई और धन्यवाद। ये सारा जो है जो बनाया है, मतलब आपने बहुत सपोर्ट किया है इन ग्रामीण लोगों को, जो अच्छा प्लेटफॉर्म इन लोगों को उपलब्ध करके दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिलते हैं और स्टार्स और स्टॉल्स के साथ, यहाँ पर क्या क्या होने वाले हम ज़रूर देखेंगे। इस महालक्ष्मी सरस एग्जीबिशन की और भी शोभा बढ़ाई है वो है यहाँ का गर्मा गर्म खान पान। दूर दूर से लोग यह स्वादिष्ट खाने की दावत लेने जरूर आते हैं।